ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। विधानसभा क्षेत्र च अडवाणी जी का अभिनंदन स्वागत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी समय प्रातः काल के समय जलंधर जैसे बड़े नगर में और यात्रा का इस प्रकार का स्वागत हो, नहीं तो इस प्रकार की इतनी संख्या में कहीं पर अगर सभा होती है तो शाम को होती है, यहाँ पर दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे रहते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, आपने जैसा भव्य स्वागत इस यात्रा का जलंधर नगर में किया है। पीछे के लोग सुन नहीं पा रहे, लेकिन आप उन तक ये संदेश अवश्य पहुंचाए कि मैं पहले दिन से लेकर के 11 अक्टूबर से लेकर के जब से बिहार से चला हूं, किसी इतने बड़े नगर में इस प्रकार का स्वागत सुबह के समय होना ये अपूर्व है। तीन विषय लेकर के यह यात्रा निकली है, तीन विषय लेकर के यह यात्रा निकली है। पहला, आज आम आदमी महंगाई से जिस प्रकार से दुखी है, त्रस्त है, यह पहला विषय। दूसरा विषय वह है भ्रष्टाचार, और मैं मानता हूं कि आज केंद्रीय सरकार में जो लोग बैठे हैं वह इतनी अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं कि साधारणतः आम आदमी को आटा, चावल, दाल, बच्चों का दूध वह इतना महंगा नहीं होता अगर इतना भयंकर भ्रष्टाचार वो न करते होते। और इसीलिए भ्रष्टाचार का विषय और महंगाई का विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस
बात को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री की यह बात देश स्वीकार नहीं कर सकता कि आज इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई इसीलिए है क्योंकि देश में प्रॉस्पेरिटी आई है, क्योंकि देश में संपन्नता आई है। वो कहते हैं कि गरीब अब ज्यादा खाने लगे हैं, क्या इस बात को कोई स्वीकार कर सकता है? एक प्रकार से हिंदुस्तान में गरीबों का अपमान है कि ये कहना कि महंगाई इसीलिए है क्योंकि गरीब अब ज्यादा खाने लगा है। कौन दाल खा सकता है इस कीमत पर? एक समय था जब कोई दाल की कीमत की बात ही नहीं करता था, आज दाल इतनी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया और फिर गैस की कीमत आप बढ़ाते हो। किसी ने सही कहा कि ये कहते हैं कि देश का जीडब्ल्यूडी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। तो किसी ने कहा कि जीडीपी का अर्थ क्या है? गरीब के लिए कम से कम, आम आदमी के लिए कम से कम जीडीपी का अर्थ है जी माने गैस, डी माने डीजल, पी माने पेट्रोल, और ये तीनों आप कीमतें बढ़ाते हैं। दुनिया के देशों में इस समय इन चीजों की कीमतें कम हो रही हैं, भारत में बढ़ रही हैं, और इस कारण आम आदमी बहुत दुखी है, परेशान है। महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, इस पर संसद में पिछले 2 साल तक लगातार चर्चा चलती रहती है, सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। लेकिन एक विषय है जिसकी चर्चा भी अभी तक संसद में नहीं हुई है, और वह है विदेशों में जो भ्रष्टाचारियों ने, बेईमानों ने काला धन जमा किया है, और वो काला धन वापस हिंदुस्तान में आना चाहिए, इसकी चर्चा अभी तक हुई नहीं। इन दिनों में एमपीस के भी नाम आ रहे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहा गया है कि 3 एमपीस हैं जिनके पास भी फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं। मैं नहीं जानता हूं वो कौन है। फ्रांस ने 700 नाम दिए हैं भारत को, जर्मनी ने दिए हैं, अमेरिका ने दिए हैं, डेनमार्क ने दिए हैं। यह यात्रा 20 नवंबर को नई दिल्ली में समाप्त होगी और 22 नवंबर से भारत का संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू होगा। इस अधिवेशन में पूरा का पूरा ध्यान होगा विदेशों में जो काला धन है वह किस किस का है और वो वापस कैसे आए, इसी पर सारी चर्चा होगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह इनिशिएटिव लेकर के सरकार को, मनमोहन सिंह जी को ही नहीं, मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों को कटघरे में खड़ा करेगी कि इसका क्या जवाब है आपके पास। आपने जैसे यात्रा का स्वागत किया है, मैं आपको एक बार फिर से, जो लोग मेरी बात न भी सुन सकते हैं यहाँ पर आगे सुनने वालों के माध्यम से, जलंधर की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शानदार स्वागत के लिए। हमें इस यात्रा में पहले दिन से लेकर के जिस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया वो ये कि बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सब समाज के सब वर्ग इस समर्थन के लिए आते रहे हैं। यहाँ पर भी मैं यही दृश्य देख रहा हूँ, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, स्त्रियां हैं, सिख भाई हैं, कोई कोई अछूता नहीं रहा, ईसाई भी हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में
आज तक कोई ऐसा अभियान नहीं चला जिसको आम जनता के सब वर्गों का इतना समर्थन मिला हो जितना इस जन चेतना यात्रा को मिला है। और ये बताऊं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा अभियान नहीं चला जिसको आम जनता के सब वर्गों का इतना समर्थन मिला हो जितना इस जन चेतना यात्रा को मिला है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत संतोष की बात है। 6 यात्राएं मैंने की है और आज तक राम रथ यात्रा मेरे लिए चमत्कार करने वाली थी, लेकिन इस जन चेतना यात्रा ने तो उसको भी एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया और हिंदुस्तान के सब वर्गों ने पूरा समर्थन इसका दिया। बहुत बहुत मैं सारे केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिला अभिनंदन वालों तीनों केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अडवाणी जी जाहिर करना जी तुम संघर्ष करो, पंजाब थोड़े नाल है, जलंधर थोड़े नाल है, मेरी बेनती है कि अस रस्ता छटांगे।